नशे के लिए ना छोड़ो, ड्रग छोड़ो, नशा 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 छोड़ो, नाज़रीन आदाब, दक्कन टुडे न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आज बतारीख 6 फरवरी बरोज़ मंगल के रोज़ राइट वे इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत स्कूल के तुलबा ने ड्रग्स यानी नशा आवर अशिया के ख़िलाफ़ हाथों में प्ले कार्ड थामे सड़क पर निकलकर अपनी मुहिम चलाई और पॉम्पलेट की तकसीम भी अमल में लाई। इस मुहिम का मकसद आजकल के नौजवान स्कूली तुलबा, कॉलेज के तुलबा जो ड्रग्स के आदि होकर अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं और इस लत की वजह से गैर क़ानूनी सरगर्मियां अंजाम देकर जराइम की तरफ रागिब हो रहे हैं, इसलिए राइट वे इंटरनेशनल स्कूल ने एक अच्छा इकदाम उठाते हुए इस मुहिम का आगाज़ किया। आइए देखते हैं इसके चंद मनाज़िर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहम्मद अली है, मैं राइट वे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, बल्लागुड़ा हैदराबाद। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नशा मत करिए, ड्रग्स कंधे से लोग की जान जा रही है, पीके गाड़ी चलाने से गाड़ी से गिरकर लोगों की जान जा रही है। आपसे गुजारिश है कि नशा मत करिए, नशा छोड़ो। अली, आप जो है लेडीज को भी पॉम्पलेट देते हुए नजर आए, तो लेडीज को क्यों दिए पॉम्पलेट? लेडीज को इसलिए देखे, उनके फैमिली में किसी को ड्रग्स देना है, ड्रग्स ले रहे हैं वो लोग, तो उन्हें रोकिए, उनको बताइए कि ड्रग्स मत लीजिए, जान जा रही है, इसीलिए लेडीज को भी दिया जाए। राइट वे इंटरनेशनल स्कूल वाले जो अवेयरनेस प्रोग्राम करे, ये ड्रग अवेयरनेस कैंप, ड्रग अवेयरनेस के लिए एरिया में गौस नगर, मोहम्मद नगर, ये पूरा फिर के आवाम जो लोकल पीपल है ना, उनको एजुकेट करे। और ये ड्रग्स कंज्यूम करने से क्या होता है, इंसान क्राइम करता है, अब क्राइम करके उनको जेल को जाता है, उनका फैमिली ये पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा ड्रग अब आदत होने के बाद अब उसको ख़रीदने के लिए पैसे नहीं रहता, पैसे रहे तो क्राइम करते, अब क्राइम करने से पूरा इंसान माहौल ख़राब हो जाती। पहले बच्चों को जो भी आवाम है, पहले एजुकेशन देना बच्चों को, एजुकेशन दिए तो क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है मालूम होता। इसलिए बच्चों को, अपने बच्चों को काम पे नहीं भिजाना, 18 ईयर्स तक स्कूल पढ़ाए तो उसको क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है मालूम होता, और अच्छी चीज़ ही करता उन्हें, कहीं को बोले तो उनका वो ना नॉलेज रहता, कोई बोलने की जरूरत नहीं। स्कूल में आए तो अच्छी चीज़ पढ़ाते, ऐसा ड्रग्स नहीं लेना, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते, हर एक पहले एजुकेशन होना, एजुकेशन आए तो पूरा चीज़ ऑटोमेटिक सेट होती। जो अनएजुकेटेड है यहाँ का लोकल पे, वो लोगों को एजुकेट करने के लिए आज इंटरनेशनल स्कूल वाले अच्छा प्रोग्राम करें, हाँ उसके लिए थैंक यू, उसके साथ हम भी कोऑपरेट करें, हाँ करके पब्लिक को एजुकेट करें। औज़ुल्लाह मिन शैतान, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज राइट वे इंटरनेशनल हाई स्कूल की तरफ से और इमरान सर की तरफ से जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है नशे के ख़िलाफ़। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद नगर से निकलकर इस्माइल नगर, गौस नगर, फिर मोहम्मद नगर को आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि जो है नशा को छोड़िए, और राइट वे इंटरनेशनल हाई स्कूल वालों से कोई मुबारकबाद है कि ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। शुक्रिया, खुदा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमरान सर, प्रिंसिपल राइट वे इंटरनेशनल स्कूल, मोहम्मद नगर, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। आज हमारे स्कूल में जो है एक कैंपेन चलाया गया, एक रैली निकाली गई, से नो टू ड्रग्स, छोड़ो छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो भारत करके। तो ये रैली का जो मतलब मौजू था वो ये था कि कुछ दिन पहले जो है मैं देखा कि कम उम्र के बच्चे जो है सिगरेट नोशी वगैरह ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और जो है आजकल हुक्का आम हो गया है। तो हम सोचे कि ये जो है इसमें लोगों में जो है एक एजुकेशन लाए, इस किस्म का लोगों को जो है अवेयर करें इस चीज़ से कि
सिगरेट जो होता है वो जो है छोटा सा एक नशे का खतरा होता है, फिर उससे आदमी हुक्के पे जाता है, हुक्के से जो है ड्रग्स वगैरह तमाम चीजों पे आता है। और आज जो है हम देख रहे हैं कि घरों में भी हुक्का आम हो गया है। तो मैं जो है तमाम माँ बाप से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों की तमाम एक्टिविटीज़ पर सख्ती से नज़र रखिए। कम से कम 18 साल की उम्र तक बच्चे को जो है अपने सर्विलियंस में रखिए, बच्चे को जो है देखिए, सारे एक्टिविटीज़ को जो है आप लोग बच्चे के ध्यान में रखिए। कई सारे माँ बाप जो है बच्चों को देख रहे नहीं, बच्चा जो है एक कोई बुरी आदत की तरफ जाने के बाद तब जो है माँ बाप को एहसास हो रहा है कि कितना जो है बच्चा बिगड़ गया है वगैरह। तो हम ये चाहते हैं माँ बाप को कि आप कम से कम ग्रेजुएशन तक बच्चों को सेलफोन ना दें, क्योंकि सेलफोन एक ऐसी चीज़ है जो है बच्चों को बुराइयों तक पहुँचाने का रास्ता आसान करता है। तो कोई भी रास्ता जो बुराई तक पहुँचाता है वो जो है सेलफोन आसान बना देता है। तो इसीलिए मेरी ये दरख्वास्त है पेरेंट्स से कि कम से कम ग्रेजुएशन तक बच्चों को सेलफोन ना दें, उनकी काउंसलिंग करें और बच्चों के एक्टिविटीज़ पर सख्ती से नज़र रखें, अपने स्ट्रिक्ट सर्वेलियंस में जो है बच्चों को रखें और दुआ करें कि तमाम सबके बच्चे जो है महफूज हो ये तमाम चीज़ों से, नशे वगैरह, सिगरेट नोशी, हुक्का वगैरह, तमाम चीज़ों से हमारे बच्चे जो है हमेशा महफूज हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर। नायक जी बोल रहे हैं तुम, छोड़ो छोड़ो से नो टू से नो टू से नो टू छोड़ो 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 से नो टू से नो टू छोड़ो 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 क्या करना चाहिए? से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, किसी भी किस्म का नशा हो, सिगरेट भी पीना है किस्म का नशा है, हुक्का नशा है, समझ आ रही बात? हमेशा क्या होता है, पानी की एक बूंद गिरती है तो बरसात भी तेजी से होती है, समझ आ रही है बात? तो ये छोटी एक एक बूंद है, ये आहिस्ता 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 आपको कहाँ ले जाता है, ये बहुत बड़े क्राइम की तरफ ले जाता है। इसीलिए क्या बोलना चाहिए, छोड़ो 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 ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे दोस्त को भी रोकेंगे, हमारे पड़ोसियों को भी रोकेंगे, हम हमारे एरिया के लोगों को रोकेंगे, जिनको हम जानते हैं उनको भी ड्रग्स से रोकेंगे, जिनको नहीं जानते उनको भी ड्रग्स से रोकेंगे। क्योंकि ड्रग्स क्या करता है, आदमी से क्राइम करवाता है, क्राइम क्या करता है, जेल ले जाता है, जेल क्या करता है, जिंदगी खराब करता है, समझ आ रही बात? इसीलिए ऑलवेज वी शुड से से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, छोड़ो छोड़ो नशा छोड़ो छोड़ो नशा छोड़ो 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 नशा छोड़ो। वेरी गुड।